इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला शरीफ में मौजूद थे कि जनाब सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बूढ़े वालिद हजरत अबू कुहाफा उस्मान इब्ने आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ कर लाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दामन इस्लाम में दाखिल हो जाए। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू कुहाफा को देखा तो इरशाद फरमाया हजरत सिद्दीक अकबर से कि बड़े मियाँ को अपने घर ही के अंदर रहने दिया होता, मैं खुद चलकर इनके पास आ जाता। यहाँ रुककर एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला इरशाद फरमाकर अपनी उम्मत को ये बताना चाहते हैं कि मेरी उम्मत के लोगों, अपने वालिदैन तो अपने, दूसरों के वालिदैन का भी एहतराम किया जाए। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने इस्लाम कबूल किया और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को वालिद के इस्लाम कबूल करने की मुबारकबाद दी। इसी तरीक से हुदैबिया के मकाम पर सुहैल नामी शख्स जो कुफार की तरफ से सफीर बन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था, आज फतह मक्का के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसे भी इस्लाम की तौफीक से माला माल कर दिया। इसी तरह उमैया का बेटा सफवान भी दायरा इस्लाम के अंदर वो भी दाखिल हो जाते हैं। और इसी तरह हजरत सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का वाक़िया कुतुब के अंदर मौजूद है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 10,000 का कुद्दूसी लश्कर लेकर मक्का के अंदर दाखिल होने लगे तो अबू सुफियान ने जब ये 10,000 का लश्कर देखा तो हैरान रह जाते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मुलाकात की हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू सुफियान, क्या अब तुझे यकीन हो गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई भी इलाह और माबूद नहीं है। आज हजरत अबू सुफियान जो दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं उन पर यह हकीकत वाज़े हो जाती है। कहने लगे कि अगर अल्लाह के सिवा कोई और माबूद होता तो आज वो हमारे काम आता। आज उन पर यह हकीकत वाज़े हो जाती है, वमन अज़ल्लु मिम्मन यद्रू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, कि उससे बड़ा कोई बदराह और गुमराह इंसान नहीं है जो अल्लाह के सिवा उनकी सोरो पुकार करता है कि जो क़ियामत तक अपने पुकारने वालों को उनकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते। अब ये हकीकत हजरत अबू सुफियान पर वाज़े हो जाती है जो दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई भी मुश्किल कुशा और हाजत रवा और नजर व न्याज के लायक नहीं है। तो अबू सुफियान ने कहा, अगर अल्लाह के सिवा कोई और इलाह और माबूद होता तो यकीनन आज वो हमारे काम आता। फिर हजरत सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु भी दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फतेह मक्का के फौरन बाद ग़ज़वा हुनैन के अंदर शिरकत की, बड़ी दलेरी के साथ कुफार का मुकाबला किया और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते के अंदर एक आँख की कुर्बानी दे दी। और फिर हजरत सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना में जंगे यरमूक के अंदर मुसलमानों को दादे शुजात देते हुए अपनी दूसरी आँख भी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते के अंदर कुर्बान कर दी। ये लोग जो आज मुसलमान हो रहे हैं, फतेह मक्का के बाद मुसलमान हो रहे हैं, इनके मुतालिक कुरान करीम के अंदर क्या फैसला है? चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन कबल अल-फतह व कातल, कि जिन लोगों ने फतेह मक्का से पहले अल्लाह के रास्ते के अंदर अपना माल खर्च किया, जिहाद किया,
ये दर्जे के अंदर, मकाम और मर्तबे के अंदर उन लोगों से बहुत ऊंचे और अजीम हैं जिन लोगों ने फतेह मक्का के बाद जिहाद किया, अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च किया। तो बाद वालों का मकाम और मर्तबा पहलों की बनिस्बत बहुत कम है, लेकिन साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बशारत दी, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, चाहे कोई फतेह मक्का से पहले ईमान लेकर आया, चाहे किसी ने फतेह मक्का के बाद ईमान कबूल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम के तमाम खुशनसीब हजरात सहाबा इकराम और मुसलमानों के साथ रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ये वादा किया है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके लिए जन्नत का वादा है। तो इसलिए नाजरीन, हजरात सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन में से जो खुशनसीब फतेह मक्का से पहले मनसब सहाबियत पर फायज हुए, उनके ऊपर भी किसी किस्म की जबान दराजी नहीं करनी चाहिए, और जो फतेह मक्का के बाद दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और मनसब सहाबियत पर फायज होने का उन्हें शर्फ हासिल हुआ, तो उनके ऊपर भी किसी को जबान दराजी करने की शरीयत मुताहरा ने इजाजत नहीं दी है।